अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप ये सब्जियां देख रहे हैं अभय जी, कोई 20 रुपए किलो तो कोई 30 रुपए पाव भर, कोई लाल कोई हरी तो कोई पीली, पर अगर इन सब सब्जियों को साथ में मिलके बनाए तो कितना स्वाद आता है। उसी तरह लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी सोच भी अलग होती है, पर अगर सारे लोग मिलके समझ के भलाई का सोचे तो सबका भला होगा। हम तो बस इतना चाहते हैं कि उस दिन जो वो खाके आई रही दफ्तर उनकी मदद कर सके और उन जैसी हजारों औरतों की मदद कर सके। इसके लिए हमें भला कोई काहे मना करेगा। मैं अच्छे से समझा तो दिया कि तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे लोग। ये देखो, तुम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, इसीलिए मैं उन्हें ले आया तुम्हारी बात सुनाने के लिए। छोटा मुंह बड़ी बात, हम भी अगर कोई बात से बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। बात तो आप सही कह रही हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा क्या सही कहा है इसने? बात यहाँ इंसानियत की है हरिशंकर बाबू। हाँ बिल्कुल, हजारों औरतें परेशान। हम किसी बुराई को खत्म क्यों नहीं कर सकते? सत्ता में रहने का फायदा क्या हुआ वरना? आप दोनों मिलके बाकी नेताओं को बरगलाइए मत। हमें नहीं लगता ये सोच हमारे अकेले की है। देखिए, मेरी राय यही है कि आप सभी लोग वोटिंग शुरू कर दीजिए। जो भी लोग अंतरिम सीएम मैडम के साथ हैं अपना हाथ उठाइए। आधे लोग खिलाफ हैं और आधे लोग पक्ष में हैं। लीजिए आधे आधे। हमारा वोट अभी बाकी है। ये लीजिए, हो गया फैसला। अरे हमरे ससुर जी है, ये हमरे ही पक्ष में वोट देंगे। हमरा वोट बिंदिया के पक्ष में जाता है। अगर ये ठेके बंद हो गए तो देसी दारू गैरकानूनी हो जाएगी, फिर पुलिस की रेड पड़ी तो हमरे पास जितनी सारी शराब की पेटियां हैं उसका क्या होगा? जल्दी जल्दी काम खत्म करो, सत्संग का टाइम हो गया है।
देवर जी तुमका बहुत ही साथ देते हैं ना, लगता है उनको तुमसे प्यार हो गया है ना? ये क्या लेकर जा रहा है? अरे बिरजू, इन्हें क्या लेकर आए? कच्चन नहीं मार्केट, बस थोड़ा सा सामान है हरिशंकर बाबू का, उन्हीं ने भेजा है अपने यहाँ से। अच्छा अच्छा, हमारे भंडार घर में रखने के लिए बोले हैं? हाँ जी मालकिन। अच्छा शराब, सुनो विंध्या जी। दीदी ये लो पकड़ो, अम्मा की सहेलियां आ रही हैं भजन करने के लिए, तो ये इससे उन पर धीरे धीरे छिड़क देना। ऐसे करके, अरे मेरे ऊपर नहीं, उधर ऐसे ऐसे करना। ये मिला दी इसमें शराब, अब देखो कमाल बिंदिया रानी। ठीक है दीदी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई सपना बहन, कुछ गंध आ रही है ना, शराब जैसी कुछ आ तो मुझे भी रही है, पर कहां से आ रही है? पूजा हो रही है अभी। अरे ये जो हम पे छिड़का है कहीं से तो नहीं आ रही? आय हाय, ये तो शराब है। शराब? बर्फी बहन, तुम्हारी बहू बावड़ी हो गई है क्या? हम सबके ऊपर शराब का छिड़काव कर रही है। शराब? शराब कहाँ से आई? जी 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 बर्फी बहन, आपकी बहू ने हम सब पे शराब छिड़क के हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। तो सच में शराब है, धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने हमारा। अरे अब क्या कथा होगी, सारा वातावरण दूषित कर दिया इस लड़की ने। चलो बहनों अपने अपने घर चलो, ऐसी जगह पर तो खड़े रहना भी पाप है, पाप। अरे 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 ऐसा ना कहो, अरे देखो इस पर, अरे इसका कोई कसूर ना है। अरे संस्कार तो देखो इनके कैसे संस्कार है, आज तो हद ही हो गई। देखो भला, अरे हम ही मूर्ख थे जो इस घर में कथा सुनने चले आए। क्या बोल रही हो? अरे रुको 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 रुको, क्या हो? हमारी गलती है। नहीं नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रुक जा, कहाँ रहे? पूछिए अपनी बहू से। तो हमें भ्रष्ट कर दिया कांतिलाल जी। अरे भाई साहब, हम तो कथा सुनने आए थे, अपने ऊपर शराब का छिड़काव करवाने नहीं। आपकी बहू टीवी पे तो शराबबंदी की बातें करती है, ऐसे बंद करवाएगी शराब? अरे अगर हमारी बहू होती ना, अब तक तो इसका हाथ तोड़ चुके होते हैं। Thank you.
ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो। अरे कथा छोड़ कर ना जाओ, हम ना हमारी बिंदिया बहू की तरफ से क्षमा चाहते हैं। हमें ना पता उसने ऐसा क्यों किया है। हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते, अरे पैर पड़ते हैं। अरे देखो ना, अरे देखो, अरे बिंदिया बहू एकदम नन्ही सी जान है ये, माफ कर दीजिए इसे। नहीं पति बहन जी, आज तो बहुत ही हो गया, अब आज की बात हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। यहाँ क्या अपमान करवा रहे हो अपना, चलो सब सब। हम भी सजा सासू माँ को मत दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, हम भला ऐसा काहे करेंगे, हमसे भूल हो गई। भूल? भूल से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं पता था इस छिड़काव पात्र में शराब भरा पड़ा है? शांत हो जाइए आप लोग। अरे शांत, क्या भूल कैसे नहीं होती? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, भूल किससे नहीं होती? तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ, नमस्ते अंकल जी। जी वो अंतरिम मुख्यमंत्री मैडम के साइन लेने आई थी कुछ पेपर्स पे, आजकल वो तो आ नहीं पाती है ना ऑफिस। सुना मैंने सर, आप सब लोग मैडम के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये तो कितनी सच्ची और कितनी भली है, आप लोग तो जानते ही हैं ना। इस घटना से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई है ना, तो वो इन्हें ही हुई है। अंदर ही अंदर सोच रही होंगी कि भूल से भी जो ये पाप हो गया उसका प्रायश्चित कैसे करें। ये तो उनमें से है जो अपने प्रायश्चित के लिए जलते कोयले पर चल जाएं। हाँ, यहाँ पर भी अगर अपने प्रायश्चित के लिए इसमें रखी शराब को भी पीना पड़े तो ये बिचारी तो वो भी कर लेंगी। अगर ऐसा है तो पी के दिखाए। हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ के शराब नहीं पिलाया, हमें शराब मत पिलाइए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हाँ, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, गलती हो गई। इस लड़की ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, इसे शराब पीनी होगी, मैं पिलाती हूँ इसे। अरे अरे तुम कहाँ बोल रही हो? अरे रुको, अरे कहाँ ले जा रही हो? अरे हाँ विद्या बहू, अरे 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 सुनो हमारी बात। अरे ना, अरे क्या कर रही है तू? अरे जा। ए पीना तो पड़ेगा, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, तुझे शराब पीनी पड़ेगी, तुझे पीनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, हिम्मत कीजिए, हम ना पिए, हमें जबरन ना पिलाओ, हम तो गलती से बस छिड़के थे, उनकी इतनी बड़ी सजा ना दो। रुक जाओ आप सब, किस बात की सजा दे रहे हैं आप लोग इसे, किस बात का प्रायश्चित करवा रहे हैं इससे? ये कहा ना इसने, गलती हो गई है इससे, बिंदिया गंगा जल में शराब कभी मिला ही नहीं सकती है। आप सभी को सिर्फ एक शक है और उसी शक के बुनियाद पर आप सभी लोग इसे इतनी घटिया सजा देने के राजी हो गए। जितना मैं जानता हूं इन्हें, मुझे पूरा यकीन है कि बिंदिया कभी भी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती। कोई प्रायश्चित नहीं करेगी वो। देखिए, हमारे बेटा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बहू पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाना और सजा देने की बात के बारे में सोचना भी मत, अगर सोचोगे तो पाप होगा।
देखिए बात को ये खत्म करते हैं। पूजा की तिथि और विधि का दूसरा मुहूर्त हम लोग ढूंढेंगे। उस समय अगर आप लोग की श्रद्धा है, अगर आप लोग आना चाहें तो आए, ना आना चाहें तो ना आए। चलो। और आप भी इनकी साइन लेके जा सकती हैं। अंतरिम मुख्यमंत्री के इस फैसले ने हलचल मचा दी है। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार देसी शराब के ठेके बंद करवाने का निर्णय लेंगी। हमारे साथ मौजूद है सुषमा जी। बताइए सुषमा जी, आपको ये सरकार का फैसला कैसा लगा? संजय। हाँ भैया। एक बात बताओ, उस छिड़काव पात्र में शराब आई कैसे? क्या पापा की अलमारी में से किसी ने? नहीं भैया, कपाट तो हमेशा लॉक ही रहता है। और जो छिड़काव पात्र में दारू थी ना, वो देसी दारू थी। बिंदिया ने कल देसी दारू के ठेके बंद करवा दिए और आज घर के अंदर देसी दारू। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोई तो कनेक्शन है। संजय, एक काम करो, जुबली भैया से उनका फोन मांग कर लेते हैं। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे वो फंक्शन में पूरा टाइम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या पता उन्होंने शायद कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया हो जिससे मुझे कोई ना कोई सुराग मिल जाए। ठीक है भैया, अभी लाते हैं। इंडिया, उस छिड़काव पात्र में शराब आई कैसे? आप भी हमसे सवाल कर रहे हैं। आप तो बोले थे ना कि आपको हम पे यकीन है। अरे देखो, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ बिंदिया। मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब हुआ कैसे। बिंदिया तुम याद करोगी, मुझे बताओगी तो मुझे कोई ना कोई सुराग मिलेगा। बिंदिया याद करो, सोचो बिंदिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हें छिड़काव पात्र मिला, क्या वो पहले से ही भरा हुआ था? सोचो बिंदिया, या याद करने की कोशिश करो। बिंदिया तुम्हारा याद करना बहुत जरूरी है, मुझे कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। या याद करो, सोचो क्या हुआ था। बहुत भला होने वाली मुख्यमंत्री का, उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारी दुआएं उसके साथ में, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मदद तो हम ऐसे भी कर सकते हैं अभय जी, पर इसके लिए अब हम और सरदर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें कोई तारीफ नहीं सुननी, हमें तो बस इस चीज का दुख है कि सासू माँ की कथा रुक गई, वो भी हमारी वजह से। लोग सोचते होंगे गांव की चोरी, बड़े घर में ब्याही है, बड़े घर की बहू बनी है, आज रानी योग होगा और अब तो मुख्यमंत्री भी बनने जा रही। हमें सब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल छोटा सा घर, माँ का दुलार, सुखी परिवार, बस यही चाहिए था हमको। ये सब नहीं चाहिए। पता है का, हमें सब मिल गया, बस एक माँ का दुलार ही नहीं मिल पा रहा।
नहीं कंगन, बड़े चाव से खरीदे थे हमने एक कंगन चूड़ी वाले से, ये सोच के कि कथा खत्म होते आपके पास आएंगे पहनने के लिए, पर कथा ही पूरी ना हो पाई। जाने से क्या होता है, किस्मत में जो लिखा हो वही होता है ना। अभय भैया फोन, कहूँ आप है? मुझे बताओ ये क्या करेगा? शराब आपने मिलाई है?